अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त फॉर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमें अभी जाना है मार्केट, तो वहाँ से कुछ सामान लेना है घर के लिए। सबको पता है रमज़ान है स्टार्ट अप कल से, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। इसके अलावा जो भी होता है वो बाद में देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सैलड मंगवाया। मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि अब मैं फुल परहेज़ करूँगी इंशाल्लाह, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खुद के लिए मंगवाया पिज़्ज़ा और मैंने यहाँ पे सैलड मंगवाया। मेरे लिए बहुत टफ था ये खाना, बट क्या करूँ, खाना पड़ता है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो बस फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट आए मार्केट से वापस और आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे बैठ के क्यों वीडियो बनाती है। एक्चुअली यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वीडियो बन जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही बैठती हूँ। तो आप सब ने देखा कि हम कुछ खाने गए, बट मैंने वहाँ पर सैलड लिया क्योंकि मतलब अब मैं अच्छी तरह परहेज़ कर रही हूँ जैसा सबको पता है, और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, जाना था, एक्चुअली जाना नहीं है, जाना था। उसी की वजह से हम स्पेशली गए थे, बट वहाँ पे डॉक्टर नहीं था तो हमें वापस आना पड़ा। तो अभी आप सब ने देखा भी होगा कि मैंने खाली सैलड का प्लेट लिया और मैंने सैलड खाया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ से मुझे कॉल आई थी, पहले मैंने कॉल रिसीव की, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ जैसा कि आप सबने देखा आज मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना कंट्रोल किया। मेरे हस्बैंड ने जो है पिज़्ज़ा मंगवाया, उसने पिज़्ज़ा खा लिया और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैंने नहीं खाया, क्योंकि मतलब पहले अपनी सेहत ठीक होनी चाहिए, फिर इंसान बाद में कुछ भी खा सकता है। तो मैंने क्या सोचा है ना, ये जो रमज़ान का महीना है इसमें मैं मतलब फुल परहेज़ करूँगी, विदाउट ऑयल जो भी खाऊँगी। तो अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला मैं चावल जो लेती हूँ बहुत कम लेती हूँ, और मैं ऑयली सालन बिल्कुल भी नहीं खाती, मूली खाती हूँ, मूली की चटनी बना देती हूँ और दही खाती हूँ, और साथ साथ मैं कल इंशाल्लाह डॉक्टर के पास भी जाऊँगी तो फिर दवाइयाँ भी खाऊँगी इंशाल्लाह। इस बार मुझे उम्मीद है इस बार हो जाएगा। पे मैंने कुछ सामान लाया अभी, तो एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हमने लाई डेट, सबको पता है कि कल से रमज़ान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो कुछ शॉपिंग की हम लोगों ने, ये भी डेट्स है, दो पैकेट फ़िलहाल दो काफ़ी है। इसके अलावा बादाम एंड किशमिश, इसमें है खोपरा, काजू इसमें, और क्या है, और है सूजी, सेवइयाँ, बाकी सब कुछ जो होता है उनको जल्दी से डालते हैं इसमें। और इस रूम की मुझे सफाई करनी है, और मैंने यहाँ पे पीनट बटर भी मंगवाई थी। मुझे कमेंट्स में बोला आप में से किस किसने साग का मैंगो खाया है पहला। मैंने कल मैंगो खाया और आज मैं स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ, और स्ट्रॉबेरी मेरे ख्याल से हर एक के फेवरेट होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आज अपने लिए साग बना रही हूँ विदाउट ऑयल वाला, और ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा बना था विदाउट ऑयल वाला, मुझे नहीं पता था विदाउट ऑयल भी सालन इतना अच्छा बनता है। बस मैंने इसमें थोड़ी सी ये मिर्ची डाली एक दो, और नमक और कुछ भी नहीं। हाँ, और अगर आप चाहो तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते, बट मैंने नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दही जमानी थी, तो ये देखिए कितनी अच्छी दही बनी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, तो क्योंकि इसमें मैंने ही रखा था दूध, मुझे ही जमानी थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी जमी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और चटनी बनाई थी, मैं रोज़े ही खाती थी जो मैंने पहले ही बोला है मूली की चटनी, तो आज मैंने साथ में साग भी बनाया विदाउट ऑयल वाला। अब मैंने अपनी इस चटनी रखी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा दही मिलाया, फिर मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं गई थी डॉक्टर जो है नज़ीर अहमद मल्ला, जो कि होता है हंदवारा में, यहाँ पर मैं उसके पास गई थी, तो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँगी क्या कुछ हुआ। तो वहाँ से आने के बाद मैं लगी थी डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग करनी चाहिए बहुत अच्छा है, तो रमज़ान के बाद नहीं करनी चाहिए, कोशिश किया करें कि रमज़ान से पहले ही डीप क्लीनिंग करें,
वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डीप क्लीनिंग की थी, तो आप मुझे बोला करें कमेंट्स में कि मैं आपके साथ क्लीनिंग के वीडियो शेयर किया करूँ या नहीं, क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मतलब दूसरों को भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि मुझे खुद पसंद है ये वाले वीडियोस देखना जहाँ पे लोग क्लीनिंग करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलती है बंदे को। तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बोला करें कि आपको कैसे लगते हैं, मतलब मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाया करूँ मतलब क्लीनिंग की सब की। तो यहाँ पे मैं बस अब तैयारी कर रही थी, क्योंकि इंशाल्लाह कल से अब फर्स्ट डे है, तो बस उसी तैयारी में लगी थी। तो चलिए जी, ये था आज का व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पे मैंने अपने टेडी बेयर को सामने रखा था, क्योंकि मेरी मास्क मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा आज यही फाइनल बाय बोल देता है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।